बहुत आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुआ ज़हरा का बयान तो आपने खुद अपने कानों से सुना और उसने क्या कहा ये भी आपने सुना, लेकिन हकीकत कुछ और है नाज़रीन। और क्या हकीकत हो सकती है, रोज़ बरोज़ दुआ ज़हरा के केसेस में नए मोड़ आते रहते हैं, लेकिन अब दुआ ज़हरा के केस ने एक नया रुख मोड़ लिया है। और वो रुख क्या है, सुनने में आ रहा है कि दुआ ज़हरा के वालदैन इसमें खुद मुलव्वस है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि दुआ ज़हरा के वालदैन ने इनका निकाह कबूल करने से इनकार कर दिया है। और पुलिस का बताना है कि निकाह जो है वो दुआ ज़हरा के उम्र के मुताबिक नहीं हो सकती। अदालत भी इसमें आ चुकी है, हरकत में आ चुकी है। अदालत ने भी यही कहा है कि दुआ ज़हरा के उम्र का तय्यन नहीं किया जा सकता, लिहाजा इनके टेस्ट किए जाएंगे, हड्डियों के टेस्ट किए जाएंगे, उनके बाद ये फैसला होगा कि आया दुआ ज़हरा का उम्र 18 साल से ऊपर है या 18 साल से कम है। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दुआ ज़हरा के बारे में और मज़ीद अपडेट बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।